वातन टीम ने टॉस जीते हैं और मैंने जो ही सही बताया, लेकिन ठंडी का महीना, अरे गारे गारे ठंडी का महीना, हवा डीजे थोड़ा सा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर, जय हनुमान। जो ही टीम ने टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी चुने हैं, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर बैटिंग के लिए। यहाँ से चलिए दोनों बैटर को भेज रहा होगा आपको श्री दत्ता। यहाँ पर भदन टीम फील्डिंग लगाइए भाई, बाहुबली प्रवीण हुई रहा। तो चलिए बात करेंगे यहाँ का एक नाइट रेजनेस टूर्नामेंट के। देखिए आई जगह एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं भाई, और 40 गांव प्रीमियर लीग में देखिए एक अच्छे ओनर टीम के थे निश्चित रूप से। एक ने एक दिल की शोभा देखिए। माजी सरपंच चंद्रकांत दादा भोईर सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, आइए हमारे इस मंच पर तशरीफ रखिए। दादा स्वागत है, बहुत बड़े रुमाल पे हैं दादा निश्चित रूप से, आइए इस मंच पर तशरीफ रखिए। बहुत क्रिकेट के दादा के अंदर प्रेम है। आने वाला देखिए बात करेंगे 8 से लेकर 11, आठ से ग्यारह देखिए भातन पर एक बड़ा विक्स, ठंडी काफी है। श्याम भूर ट्रॉफी देखिए बात करेंगे, हाँ कायो तो चलिए जूही टीम के लिए यहाँ पर खास बख्शीस। तो चलिए जयेंद्र दत्ता जोशी देखिए, देर रात में इनका एटीएम यहाँ से ऑन हो चुका है। हैट्रिक के लिए 5,000, हर छक्के के लिए 500 रुपया। तो चलिए जयेंद्र दत्ता जोशी देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी टीम जूही टीम के लिए। अरे चलिए भाई पहली गेंद के पर, इसे कहते हैं पहली नजर में भाई, दिल नहीं चुराया दिल जलाया 500 की नोट के साथ 6 रन। से देखिए पहली गेंद के पर छक्का, कहते हैं ना दोस्ती नजरों से हो तो उसे जन्नत कहते हैं, अगर शुरुआत चौके छक्के से हो तो उस खिलाड़ी को वीरेंद्र सहवाग। प्रवीण भूर तैयार रहे और देखिए यहाँ पर बात करेंगे, उसके बाद देखिए प्रवीण भूर ने जवाब दिया भाई, हाँ लड़ली खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने तेरा भातन का बाहुबली खड़ा है। इसी के देखिए टेक्नोलॉजी अक्षय जी भगत देखिए बात करेंगे, उनकी तरफ से जुड़ी टीम के लिए शुभकामना। देर रात हो चुका है लेकिन टीम के साथ देखिए जुड़े हैं। और उसके बाद देखिए हवा में खेल और फील्डर बड़ी क्या चाहिए, यही तो बात कहा था, अल्लड़ खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने तेरा पातन टीम का बाहुबली प्रवीण भोईर को मिलता हुआ सफलता।
तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर शायद तीन ओवर का मुकाबला है, चलिए थोड़ा जल्दबाजी कीजिए। इसके बाद देखिए अगला मुकाबला है, क्या बड़ा फिक्स मुकाबला देखने को मिलेगा जब भी ये टीम आमने सामने होते हैं, बड़ा रोमांचक भरा रहता है। तारावी टीम के सामने देखिए एक और चुनौती। तो चलिए सेकेंड ओवर गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं जयेश वीर। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया, देखिए अभी भी दर्शकों का भीड़ देखिए यहाँ पर मैदान पर लगी है। मैदान के चारों बाजू में देखिए थोड़ा कम गति से दर्शक हैं, लेकिन जब जब देखिए यहाँ पर वाकलैंड टीम है, गुरसाइड टीम इस मैदान में था, सावलेट टीम है, दर्शकों का तादाद क्या था भाई, बहुत भारी तादाद से देखिए। तो चलिए बात करेंगे वाकलैंड टीम के इस मुकाबला यहाँ पर खेलते हुए निश्चित रूप से। और ये चलिए भाई गेंद को तो रोका गया लेकिन दोनों बैटर को नहीं, बता रहे थे कि वादन कहा जाए तो निश्चित रूप से यहाँ पर माजी सरपंच चंद्रकांत दादा वीर साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे दादा ये गेम के माध्यम से देखिए सीएम वही ट्रॉफी देखिए 2023 वादन नाइट की बात करेंगे। और प्रथम दादा मात्रे देखिए और इनकी देखिए बात करेंगे जन्मदिन के ऊपर ये नाइट मुकाबला आता है जहाँ पर फर्स्ट प्राइज 1 लाख रहेगा साइकिल मैन ऑफ द सीरीज के लिए देखिए। और यहाँ पर देखिए अंपायर की उंगली उठी भाई, 8 से लेकर 11 फरवरी बोलना नहीं भाई, वादन नाइट का ऑफिशियल आ रहे हैं बहुत सारा। देखिए नाइट मुकाबला देखिए आज से बात करेंगे, ओलंपिक का नाइट शुरू हो चुका है, अमिनी वानखड़े जिसे कहा जाता है वो नर्वस क्रिकेट क्लब किरोली देखिए वहां पर भी लगातार 6 रात क्रिकेट का हंगामा रहेगा। लेकिन उसके बाद बात करेंगे रंजन पड़ा नाइट खारगर विभाग में और भी नाइट सारी देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से ये शुरुआत है, पिक्चर पूरी बाकी है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर रन रुका है 11 रन, तो चलिए सुदर्शन सर जी देखिए मैंने ये बात पाया कि किसी न्यूज चैनल पे शक कर सकते हो लेकिन इनकी स्कोरिंग पे नहीं, ये नाम भी अच्छे से लेते हैं काम भी अच्छे से करते हैं, इसलिए दुगाड़े सर कहते हैं सुदर्शन का बेहतर प्रदर्शन। तो चलिए बात करेंगे ये करके सुदर्शन सर जी यहाँ पर नाइट में पहुंचे, हमारे अंपायर भी वही रहा हाल, हमारे भी वही रही हाल और खिलाड़ियों का भी वही है हाल, ये मैचेस भी चल रहे हैं बड़ी तेजी से। और ये चले लेग बिफर के लिए अपील और विकेट के बीच में आ गए थे दुर्गन अचुर के सर, देखिए इनका उंगली आसमान की तरफ है और विकेट यहां से गिरता हुआ। और ट्रॉफी देखिए अब नजर लगा सकते हैं जो 4 टीम अभी टॉप 4 का मुकाबला खेल रहे हैं, ये तो ट्रॉफी तक पहुंच चुके हैं। लेकिन खास देखिए यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज के लिए पम पम वाटर बाइक देखिए ये इंतजार कर रहा है, इसकी चाबी किसके पास जाएगा ये आने वाला वक्त समय बताएगा।
अपील यहाँ पर उत्साहित दिखाई थी, क्या विश्वास यहाँ पर अंपायर के ऊपर, अंपायर देखिए यहाँ पर उंगली इशारा उठाते हुए आउट है बैटर। तो चलिए बात करेंगे जयेंद्र दादा जोशी, देखिए इनकी तरफ से संदेश भोपे के लिए, खास करके हर छक्के के लिए 500, 2000 हर छक्के के लिए। तो चलिए बात करेंगे भाई हमारे एक, देखिए संदेश दादा मात्रे, देखिए उन्होंने हमारे ऊपर प्यार जताई भाई, क्योंकि आज देखिए अगर हमारी आवाज यहाँ गुजर रही है पूरे आर्थिक कमेटी के साथ साथ, संदेश दादा स्पॉन्सरशिप निश्चित से इनके माध्यम से किया गया है, स्वागत है संदेश दादा बड़ी। देखिए इनके सिस्टर के नाम से देखिए इनका टूर्नामेंट रहता है, टूर्नामेंट में निश्चित रूप से कर चुका हूँ, शायद इस सीजन में आने वाला वक्त में डे नाइट बिग शो देखने को मिल सकता है। तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बात भैया, वन साइड पर गेंद को खेला गया है, एक रन तो आसानी से ले लेंगे, और मैं कहूँगा इस वक्त है ना जो मैदान के अंदर बल्लेबाजी हो रही है ना फील्डिंग, इन्हें बड़ा मजा आता होगा, थोड़ा तेज भाग कर जा रहे होंगे और थोड़ा सा गर्माहट पतन में देखिए थोड़ी सी आग लग रही होगी निश्चित रूप से, लेकिन जो दर्शक देखिए आपके समर्थक आकर मुँह में रुमाल बांध कर बड़ी स्वेटर लगा कर कह देना स्वेटर है, और ये क्रिकेट के देखिए अपने टीम के चाहने वाले रहते हैं बिग समर्थक, इसलिए इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए भाई। अगर आप मुकाबला हारते हो ना बड़ी आराम से जाकर बिस्तर में लेट जाते हो, लेकिन जो आपके दर्शक समर्थक आते हैं ना इन्हें भाई नींद भी नहीं आता है, ये उसके बारे में सोचते रहते हैं। टोटल की बात करेंगे, टोटल पहुंच गया जाकर 14 रन देखिए बात करेंगे, और अंतिम ओवर चलता हुआ 4 गेंद अभी भी शेष है, और ये चलिए बड़ा हिट का तलाश हो रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही है भाई यहाँ पर अभी भी, देखिए बात करेंगे ना, ओहो ये चलिए भाई रन आउट का मौका, और ये भी मौका हाथ से निकला, पहला रन दूसरा रन, दो रन कंप्लीट, टोटल की बात करेंगे टोटल 16 रन देखिए बात करेंगे ऊपर से गेंदबाज एक बार तैयार, और इस बार देखिए लीडिंग एज और शॉर्ट लेग पर देखिए बढ़िया कैच लेते हुए यहाँ पर टोटल देखिए वही रुका है, रन नहीं आ रहा है भाई यहाँ पर, बात करेंगे 16 के ऊपर और एक विकेट गिरता हुआ, तो चलिए बात करेंगे 16 के ऊपर देखिए यहाँ पर विकेट देखिए गिरता हुआ, नए बैटर की बात करेंगे अंकित भोपे देखिए स्ट्राइक पर आते हुए गेंद, बात करेंगे यहाँ पर सुदर्शन सर जी, यहाँ पर बची हुई गेंद, दो गेंद से ऐसे कहते हैं ना नजरे मिला के गेंद से खेलते रहो भाई, मम्मी डैडी घर पे टीवी पे मैच देख रहे हैं बिंदास सो के चक्के लगाते रहो, कई अक्सर फैमिली देखे देर रात तक अपने बच्चे की मुकाबला देखते हैं घर पे फैमिली, लेकिन यहाँ पर देखे विकेट गिरता हुआ,
तो चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए 16 रन बनाए हैं, लेकिन ओवर की बात करेंगे, यहाँ से अंतिम ओवर चलता हुआ और आखिरी गेंद है, और इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट खेलने गए, लेकिन बड़ा हिट तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर पहला रन लिए और दूसरे के लिए भागते हुए, और दूसरा भी कंप्लीट होता हुआ तीसरे के लिए भागते हुए, क्या तीसरा फेस है तीसरी अंपायर, मुझे लगता है जितनी बार रिवो लिया गया है ना दो मैच कंप्लीट हो गया, दो रन तो कंप्लीट है, तीसरे के लिए क्या बैटर सुरक्षित है या रनआउट है, देखते हैं जैसे डिसीजन आएगा। और तो चलिए इनिंग तो समाप्त हो चुकी है, यहां से चलिए फील्डिंग के लिए टीम को जल्दी उतरना होगा जो टीम, और बैटिंग के लिए देखिए बात करेंगे, नट आउट है बैटर, देखिए तीन रन कंप्लीट होता हुआ, इसलिए तीसरे अंपायर की तरफ अंपायर बढ़े थे। तो चलिए कुल टोटल की बात कर लेंगे ना, टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए बात करेंगे 19 रन और जीत के लिए 20 की जरूरत है। दीपक पाटिल सर एक बहुत बढ़िया देखिए अंपायरिंग के काम करते हुए। तो चलिए फर्स्ट सेमीफाइनल देखिए, सेकंड सेमीफाइनल से, तो चलिए दोनों कप्तान आई यहाँ पर अर्शद से पेट है और धारावी टीम के कप्तान से मच्छिंद्र स्मृति और धारावी टीम देखिए बात करेंगे, लेकिन आज आर्या रोशनी देखिए बात करेंगे, मच्छिंद्र स्मृति धारावी टीम यहाँ कप्तान आइए, तो चलिए आरसी से पेट दोनों कप्तान आइए टॉस के लिए। तो चलिए बात करेंगे 19 रन बनाए हैं, जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है, दोनों बैटर देखिए मैदान पर प्रवेश करते हुए। चलिए फील्ड खोल दीजिए जो टीम, ज्यादा वक्त मत लीजिए, यहाँ पर बहुत रात देखिए देर हो चुका है, यहाँ पर सुबह की लोकल ट्रेन देखिए यहाँ पर शुरू हो चुका होगा निश्चित रूप से। तो चलिए चलते हैं डीजे मास्टर के पास, चलिए गेम ऑन कर दीजिए, अंपायर थोड़ा सा वहां पर सलाम मशवरा दीजिए फील्ड खोलने की। चलिए बात करेंगे यहाँ पर चलेंगे गेम टारगेट की बात करेंगे, यहाँ पर टारगेट देखिए 20 रनों की जरूरत है, दीपक सर फिर से एक बार जुड़ते हुए यहाँ से। सागर साडी पहिलाच बॉल या वेळेस मात्र अगदी क्रॉस बॅटेड, थोडेसे गुडघे बेंट करून ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु इथे मात्र जीवननं पहिला चेंडू निर्धाव काढलाय, मोठा एक्सपिरियन्स आहे, मोठा अनुभव आहे जीवन भेंडे यांच्याकडे, एक यशस्वी गोलंदाज म्हणून त्यांची कारकीर्द। यावेळेस मात्र सागरचा तडाका ऑन साइडला बॉलला पाठवलाय, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सागरच्या बॅट मधून येतोय हा उत्तुंग असा षटकार।
षटकरान मात्र सुरुवात केले 20 धावांचं टार्गेट या मॅच मध्ये, त्यामुळे लक्ष छोटं आहे, छोटा पॅकेट पडा धमाका। कालही सुपर फोरला पुढे नेत असताना मात्र खरं तर अर्धशतक ज्या खेळाडूच्या नावावर आहे, अगदी 3 ओव्हरच्या मॅच मध्ये अर्धशतक ठोकणारा, बरोबर सकाळी 3 वाजता हा कारनामा केला होता। एवढ्या कडाक्याच्या थंडीमध्ये सगळ्यांची झोप उडवून टाकणारी इनिंग मात्र याच फलंदाजानं खेळली होती। सागर भोईर ऑन अ स्ट्राईक, षटकरानं खातं उघडलंय। जीवन भेंडे यांच्यावर प्रेशर, लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा आडवा पॅटर्न, ऑन साईडला स्विंग केलाय, बॉलला पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सागरच्या बॅट मधून येतोय आणखीन एक बहारदार स्ट्रोक, षटकार। सामना संपवण्याची बहुधा गाई झाले सागरला आणि त्याच पद्धतीनं मात्र इथं बॅटिंग सुरू आहे। आणखीन एक स्ट्रोक, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, कोण रोखणार हे वादळ, लगातार 3रा षटकार सागरच्या बॅट मधून, ऑन फायर नाव। मात्र एवढा आक्रमक होताना पहिल्यांदाच तुम्ही पाहिला असेल सागर भोईर, त्याचं नाव भातांचा विस्फोटक फलंदाज, 3 षटकार टोकतोय, 20 धावांचं लक्ष परत। पहिल्या मागच्या 3 बॉलवर आल्यात 18, आणखीन एक स्ट्रोक ऑन साईडला जास्त उंच गेलाय मिड विकेटला, मात्र क्षेत्ररक्षक आहे। सागरची खेळी संपुष्टात, पहिला धक्का मात्र लागेल, परंतु नेक्स्ट मॅचचा टॉस आरसीसी पेड टीम आपण या मंचावर, कॅप्टन आपण लगेच या धारावी टीमचा कॅप्टन टॉस केला जाईल। आमच्या मान्यवर किशोरजी शिसवे यांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्या सामन्याचा टॉस आपण संपन्न करावा। तीन षटकार ठोकून सागर भोईर आता मात्र पॅवेलियन मध्ये परतला आहे, आक्रमक खेळ। अरबाज त्याचे आर्म शेक करतोय, तर 12व्या संघानं टॉस जिंकलाय, पुन्हा एकदा सन्मान दिलाय, परंतु 3 षटकारांनी मात्र हा सामना पाटण संघाच्या बाजूने पुरता फिरवलाय। लक्ष छोटं होतं 20 धावांचं आणि त्या पद्धतीनं मात्र आक्रमक खेळ पाहायला मिळालाय। पहिल्या षटकामध्ये संपूर्णपणे भातान संघाच्या पाठीराख्यांचं टेन्शन घालवलं ते सागरनं, आणि अवघ्या 2 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी असेल। नेक्स्ट मॅच बिग फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल, एका बाजूला 12वे आणि दुसऱ्या बाजूला मात्र नाईटचे चॅम्पियन। नाईट स्पर्धा म्हटली की आरसीसी पेठ, बऱ्याचशा नाईट स्पर्धांमध्ये मात्र सातत्य दाखवलं या संघानं, नेहमीच चमकदार कामगिरी करत असतात आणि परंतु इथे तगडं आव्हान असेल 12व्या संघाचं। सौरभ जोशीचा पहिलाच बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय, एक अतिरिक्त धाव मात्र जोडली जाईल धावसंख्यामध्ये। धावसंख्या 1ने पुढे जात असताना 19-19 या आकड्यावर एका धावेची आवश्यकता। यावेळचा हा फटका ऑन साईडला वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, हा विजयी षटकार, सामना फिनिश, सामना जिंकला श्रीदत्त क्रिकेटला बातान संघ। अभिनंदन संघ जातोय फायनल मध्ये, हार्दिक अभिनंदन।
साठी षटकाराला 500 रुपयांचं पारितोषिक होतं. कन्वेश मात्रे आणि जयेंद्र जोशी यांच्याकडून.